नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फ्रेंड्स मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी कुछ ऐसे प्लांट जिनको हम तेज़ धूप में और कम देखभाल में लगा सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने वाली है और उस टाइम पे जो भी प्लांट लवर हैं जिनको गार्डनिंग पसंद है उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है गर्मी में कि हम कौन से ऐसे प्लांट लगाएं ताकि गर्मियों में अच्छे से फ्लावर दें। तो मैं कुछ ऐसे ही प्लांट फ्रेंड्स आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब मैं ऐसी वीडियो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा जो गर्मियों में खिलते हैं वो बहुत ही हार्डी होते हैं, तेज़ धूप में भी ये फ्लावरिंग करते हैं, तो वह हमारा गुड़हल यानी हिबिस्कस है। और इसमें आपको देसी वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी के भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर गर्मी में जो हैवी ब्लूमिंग करते हैं वो हमारे देसी वाले गुड़हल होते हैं, तो आप इनको ज़रूर लगाइएगा। और फ्रेंड चाहे जितनी भी धूप हो छाँव हो और कभी कभी इतनी ही धूप निकलती है तब भी ये हमेशा खिलते रहेंगे। वैसे तो इनकी जो लाइफ लाइन फूलों की होती है एक दिन की होती है, लेकिन बिल्कुल ये तपती धूप चाहे जितनी धूप रहे वो चल जाएंगे। कलर वैरायटी आपको नर्सरी में देखने को मिल जाएंगे। लगाना चाहते हैं तो आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, ईजिली ये ग्रो हो जाता है। और अभी इस टाइम पे अगर कटिंग इनका लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी लगा सकते हैं। तो हमारा जो तपती धूप में चलने वाले हैं तेज़ धूप में हिबिस्कस फर्स्ट पे आता है, तो आप इनको ज़रूर लगाइएगा। देसी वाले तो हमेशा खिलते रहते हैं फ्रेंड्स, तो इनको आप ज़रूर ऐड करिए अपने गार्डन में। नेक्स्ट जो हमारा है सनफ्लावर, तो आप सनफ्लावर को भी लगा सकते हैं, पूरी गर्मी आपको अच्छे से फ्लावर देते रहते हैं, साथ साथ में इसमें बीज भी तैयार होता है, तो बीज आप इनके कलेक्ट करके रख सकते हैं और आने वाले टाइम में इनको बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी में जाएंगे आपको तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के मिल जाएंगे, कलर भी थोड़ा से रेड में आ जाते हैं। तो सनफ्लावर बहुत ही मतलब धूप में फ्रेंड्स ये हार्डली तेज़ धूप भी हो जाती तब भी उनके जो फ्लावर बने रहते हैं, उससे मैं बात करूँ तो ये कम से कम नहीं 5 या 6 दिन तो खिले ही रहते हैं। ये जब स्प्रेंड होते हैं इनमें सीड बनना शुरू हो जाते हैं, तो सीड को भी हम कलेक्ट करके नेक्स्ट ईयर के लिए रख सकते हैं। तो आप सनफ्लावर को भी ज़रूर ऐड करिएगा और आपको नर्सरी में मिल जाएंगे या फिर आपके आसपास कहीं होगा वहाँ से भी छोटी सी कटिंग ला के अगर लगा देंगे तो वो लग जाता है। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, ज़्यादा देख रेख भी करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इनको पानी धूप मिलता रहे अच्छे से तो ये चलते रहेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स हमारा मॉस रोज़, या इनको हम पार्चुलाका भी बोलते हैं, तो ये तो पूरे गर्मी चाहे जितनी तेज़ धूप हो या कम धूप हो ये हमेशा आपके गार्डन में बने रहते हैं, तो आप इसको भी ज़रूर लगाइएगा। और अभी इनका सीज़न भी आने वाला है, वैसे तो लोगों ने कटिंग लगाना शुरू कर दी है, तो इनकी कटिंग भी आपको अगर आसपास मिल जाती है तो ज़रूर लगाइएगा। पार्सलेन हो गया हमारा, मॉस रोज़, पार्चुलाका, देसी वाले हैं ये, और हाइब्रिड भी लगा सकते हैं। हाइब्रिड में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिल जाएंगे और सिंगल पेटल मल्टीपल पेटल वाले भी होते हैं ये। और देसी में बता दूँ तो येलो रेड और इस तरीके से वाइट और पिंक सेट में भी रहते हैं जो मॉस रोज़ होते हैं। और पार्सलिन की भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी आती है फ्रेंड्स, अगर आपको मिलती है कहीं तो इनकी कटिंग ज़रूर ऐड करिएगा। और चाहे जितनी तेज़ धूप हो ये हमेशा खिलेंगे आपके गार्डन में, और मतलब चाहे बरसात हो गर्मी हो और सर्दी हमेशा मतलब गार्डन में बने रहेंगे, तो इनको ज़रूर ऐड करिएगा। बहुत खूबसूरत दिखने वाले ये पौधे होते हैं। और जो हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट प्लांट है वो है हमारा गलाडिया। गलाडिया को मैं हर वीडियो में लेकर आती हूँ क्योंकि फ्रेंड ऐसा ये प्लांट है, ये भी पूरे साल अच्छे से चलता रहता है। वो तेज़ धूप में तो बात ही अलग होती है इनको लगाने की, तो इनको भी आप ज़रूर लगाइएगा। गलाडिया को सीड से कटिंग से जिस तरीके से लगाना चाहें ये लग जाएंगे, तो फ्रेंड्स गलाडिया ज़रूर ऐड करिएगा। कलर की बात करूँ मैं, ये फ्रेंड्स रेड और येलो में आते हैं और इस कुछ इस तरीके से सैडेड में भी रहते हैं। ये थोड़ा सा कलर इफेक्ट हो जाता है जब मौसम चेंज होता है, वैसे तो हमेशा ये खिलते रहते हैं। और तेज़ धूप में तो फ्रेंड्स इनकी बात ही अलग है, तो इनको आप ज़रूर ऐड करिएगा। नर्सरी में जाएंगे तो आपको 10 से 5 रुपये के इनके पौधे मिलेंगे, सेपलिंग्स भी अभी मिल जाएगी। अगर लगाना चाहते हैं तो इनको ज़रूर लाइएगा। और एक बार अगर आपके गार्डन में आ गया तो इस तरीके से सीड बन के रेडी हो जाते हैं, इन सीड को आप ऐसे गमले में डाल देंगे तो ढेरों प्लांट्स हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है अगर इनको एक बार ऐड करेंगे तो कभी नहीं जाएंगे गार्डन में, कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी पॉट में 1-2 पौधे जरूर उगे रहेंगे। तो गलाडिया भी बेस्ट हैं तेज़ धूप में चलने वाले, और देखभाल तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं करना है आप इनको, या फर्टिलाइज़र दो या ना दो, बस थोड़ा सा पानी का जरूर ध्यान रखिएगा। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट अगर जो होता है फ्रेंड्स तो उनको पानी की नीड होती है क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा लगता है,
फ्लावरिंग के लिए तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि आप उनको पानी से, गर्मियों में तो दोनों टाइम ही देना पड़ता है, तो देते ही रहिएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है फ्रेंड्स, वो है हमारा टैकोमा वाइन। ये भी फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होते हैं। अब इनका जो सीजन आ गया है खिलने का, तो ये पूरी गर्मी भी और बरसात में भी अच्छे से ब्लूम करते हैं। सर्दियों में थोड़ा डोरमेंट पे रहते हैं तो नहीं खिलते हैं, बट अभी इनकी जो फ्लावरिंग है बहुत ही तेज़ी से होती है, बंचेस में आते हैं। वाइन है तो आपको पता ही है कि कितनी हाइट लेते होंगे। तो हमारा ये नीम का पेड़ है, इस पर चढ़े हुए कम से कम 20 या 25 फीट का हमारा नीम का पेड़ है, तो उस पर चढ़ा हुआ है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं, तेज़ धूप में चल जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेंड्स वो है सदाबहार। सदाबहार की तो बात ही अलग होती है, जैसा ही नाम होता है वैसे इनका काम भी रहता है खिलने का, बिल्कुल पूरे साल खिलते रहते हैं। देसी वाले थोड़ा सा सर्दियों में नहीं खिलते हैं, लेकिन जो हमारे हाइब्रिड वाले भी इनका होते हैं वो हमेशा खिलते रहते हैं। तो इनको चाहे जितनी तेज़ धूप मिले चाहे कम मिले, ये हमेशा खिलते रहेंगे, तो इनको भी ज़रूर आप लगाइएगा, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। देसी वाले कलर बताऊँ तो आपको वाइट, पिंक और थोड़ा सा पर्पल में आते हैं, और हाइब्रिड वाले जो होते हैं फ्रेंड्स उनमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर और मिल जाएंगे आपको, उसको शेडेड में भी आते हैं हाइब्रिड वाले में, तो उनको भी ज़रूर लगाइएगा इनका जो होते हैं। और जो हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट प्लांट है यूफोर्बिया मिली है फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है, तेज़ धूप में और चाहे जितनी भी गर्मी हो उसमें हमेशा हैवी ब्लूमिंग करते रहते हैं। सर्दियों में थोड़ा सा ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, लेकिन सर्दियाँ ख़त्म होते ही इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। इतने फूल इसमें आते हैं फ्रेंड्स कि इसमें आपको पत्तियाँ तक नहीं दिखती हैं, तो इसको भी आप ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और कलर भी बता दूँ इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर आते हैं आपको, पिंक, येलो और मिनिएचर वैरायटी के होते हैं, हाइब्रिड भी होते हैं, देसी भी आते हैं। तो जो भी अगर नर्सरी में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के, तो अभी यूफोर्बिया मिली को ज़रूर लाइएगा। और ये भी फ्रेंड्स बहुत ही कम देखभाल में चलते हैं, ज़्यादा भी केयर की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो हमारा प्लांट है वो है हमारा चंपा, यानी नाग चंपा है, और चंपा की वैरायटी आती है, लेकिन जो हमारे नाग चंपा ये हमेशा ब्लूम होते रहते हैं, चाहे जितनी भी गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, विंटर में यहाँ तक कि ये खिलते हैं, तो इनको भी आप ज़रूर ऐड करिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि ये कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाते हैं, तो कहीं भी आपको इनका कोई प्लांट अगर दिखता है तो ज़रूर छोटी सी कटिंग ला के लगा लीजिएगा, फिर देखिएगा आपको पूरी गर्मी, बरसात, सर्दियों तक के फूल देते रहेंगे। तो तेज़ धूप की कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, बेहिचक बेहिचक इस प्लांट को लगा सकते हैं, और उनके कलर पेटल आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे जब आप नर्सरी में लेने जाएंगे। तो फिलहाल ये नाग चंपा है, वो चंपा की और भी वैरायटी आती है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप ले लीजिएगा। और जो हमारा नेक्स्ट फ्रेंड्स प्लांट है वो है हमारा टैकोमा। टैकोमा की अगर मैं बात करूँ, इसमें 2-3 कलर आते हैं, येलो आते हैं, ऑरेंज रहते हैं, और ये तो फ़िलहाल एक ही कलर में आते हैं, ऑरेंज में रहते हैं, बट ये फ्रेंड्स वाइन वाला है जो हम लोग साइड में लगा देते हैं, वो रोड साइड आपने अक्सर देखा होगा, तो वो वाले पौधे हैं। तो ये भी मतलब बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत मतलब ये भी बंचेस में खिलते रहते हैं हमारा जो टैकोमा, येलो टैकोमा, इसकी वाइन भी आती है, येलो वाइन रहती है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं तेज़ धूप में, बहुत ही कम देखभाल में ये चलता रहता है। अगर एक बार आप ले आते हैं तो फिर ये सालों साल आपके गार्डन में बने रहते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स वो है हमारा अलमंडा। अलमंडा में भी 2 तरीके के प्लांट आते हैं, एक वाइन होती है, एक बुश होता है, तो ये मेरा बुश वाला है, और इसका कलर भी बता दूँ फ्रेंड्स येलो और इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो ये भी तेज़ धूप में अच्छे से चलता है, मेरा ये जो प्लांट है हमेशा धूप में ही रहता है, पूरी गर्मी, बरसात, सर्दियों में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, बट ये हमेशा ब्लूम होता रहता है। तो आप अलमंडा को भी ज़रूर ऐड करिएगा, कलर कोई भी हो आप ज़रूर लगाइएगा, आपके गार्डन में हमेशा फूल भरे रहेंगे। तो फ्रेंड्स कुछ थे हमारे के ऐसे प्लांट जो कि आपको तपती धूप में, तेज़ धूप में भी अच्छे से फ्लावरिंग दे सकते हैं, तो उनको लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और सबसे अच्छी बात है कि इनकी ज़्यादा केयर भी करने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स जब भी आप इसको पौधे को गमले में लगाते हैं तो गमले का मेन चीज़ आप ड्रेनेज होल ज़रूर चेक करें, मिट्टी भी आप बिल्कुल बेलड्रेन, इतनी भी मतलब नॉर्मल सॉइल बनाएगा, बेलड्रेन मत बनाइएगा, क्योंकि गर्मी में पानी की ज़्यादा नीड होती है, तो ड्रेनेज से अगर ज़्यादा पानी निकलेगा तो वो आपका प्लांट सूखने का डर रहेगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मिट्टी नॉर्मल बनाइएगा, क्योंकि ये सारे परमानेंट प्लांट हैं, आपको गर्मी में भर भर के फूल देंगे, तेज़ धूप में, तपती धूप में, बरसात में हमेशा ही खिलते रहेंगे। तो आप जब भी मिट्टी बनाइएगा
नॉर्मल सॉइल ही लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारे कुछ थे आज के प्लांट जिनको आप लगा सकते हैं बिल्कुल बेझिझक बेझिझक। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वीडियो, न्यू प्लांट, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।